हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर सीए मोहित तापड़िया। और हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वही टॉपिक जो अभी तक चल रहा था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड का स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम था सेंट्रल टेंडेंसी। उसका पहला वीडियो बना था विच वॉज ऑल अबाउट मीन, दूसरा वीडियो था विच वॉज ऑल अबाउट मीडियन, तीसरे वीडियो के अंदर हमने देखा था डेसाइल क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल के बारे में, और अभी आखिरी वीडियो फाइनल वन राइट, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मोड। ऑनेस्टली बताऊं ना तो मोड कोई टॉपिक नहीं है, मजाक ही है, क्योंकि आपकी बुक में जो मोड का दूसरा मेथड होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड, हम जो अभी कर रहे हैं दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, जो दूसरा मेथड होता है विच इज एनालिसिस मेथड, वो गुजरात बोर्ड के सिलेबस में है ही नहीं, विच इज समथिंग गुड। सो ये तो एक जोक, एक छोटा सा, एक सिंगल सा फॉर्मूला आपको सीखना है और ये चैप्टर आपके लिए खत्म हो जाता है। दिस इज अ वेरी 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 इजी चैप्टर, बट फिर भी जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि भैया साथ नहीं छोड़ूंगा, पूरा कराऊंगा जो कराऊंगा राइट। सो मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। मैं आपके लिए आज एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ जिसमें मैंने कुछ चार पांच सम्स मोड के सॉल्व भी किए हैं, साथ साथ में आपको फॉर्मूला भी बताया है। मतलब इतना मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद में आप मोड वाली एक्सरसाइज करना ही मत, मोड का टॉपिक काट देना। आपने अगर ये वीडियो देखा है मतलब आपको मोड का आगे एक भी सम करने की जरूरत नहीं है। जो मोड के चारों पांचों वेरायंट है वो सब मैंने इस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट कर दिया। चलिए तो चालू करेंगे अपने आज के नए टॉपिक के साथ में। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा मोड। ओके, आपके लिए ऑलरेडी पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पे रेडी है सामान, खाली आप फोकस करते रहिए, आपको सब मजे से समझ में आएगा। सो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज मोड। मोड को हम सिंबॉलिकली M0, नीचे ये जीरो लगाना मत भूलना, नहीं तो वो मीडियन हो जाएगा राइट। कुछ कुछ बुक्स मोड को कैपिटल Z से भी डिनोट करती है, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो मोड की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? जो भी पर्टिकुलर रिपीटेड नंबर सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है जो भी ऑब्जर्वेशन, उसे कहा जाता है मोड। जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे मैक्सिमम रिपीट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज मोड। सो इन शॉर्ट, अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट डेटा में मोड का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। अगर आप देखो तो अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट में मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मोड का फॉर्मूला होगा सिर्फ ग्रुप डेटा के अंदर, ग्रुप डेटा में भी सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। अगर कंटिन्यूस सीरीज है तो आपको मोड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, अगर ग्रुप में भी डिस्क्रीट है तो आपको फॉर्मूला लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आप अनग्रुप डेटा कर रहे हैं विच इज रॉ डेटा, अगर आप लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज जहां पे एक एक ऑब्जर्वेशन के सामने एक एक फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों में कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व एंड से द आंसर, दैट्स इट। बट अगर आप कंटिन्यूस सीरीज करें तो आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, दैट इज एल प्लस एफ एन माइनस एफ जीरो अपॉन 2fn-f0 माइनस एफ टू इंटू सी। ठीक है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, सम करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, आपको जोर नहीं पड़ना है। चलिए सो मैं आपकी परमिशन चाहूंगा आगे बढ़ने के लिए, चार पांच सम करेंगे और ये चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छी तरह से वाइंड अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 29, फर्स्ट सम ऑफ द डे, सबसे पहला सम है आज का इलस्ट्रेशन नंबर 29। भैया देख के जवाब दो, हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, बताइए मोड क्या है। देखो भैया टू कितनी बार आ रहा है, वन टाइम्स, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, टाइम डजेंट मैटर्स। इन शॉर्ट हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम टाइप कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, टू। आप सीधा नीचे आंसर लिख दो, M0 इज इक्वल टू टू, दैट्स इट। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम पे आपको थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द अबव गिवन ऑब्जर्वेशन वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट ऑब्जर्वेशन टू इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। एग्जैक्टली कितना नंबर है वो भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड दैट्स द रीजन दैट आवर मोड इज टू। खत्म, एग्जाम में नहीं आएगा, मजाक है। पूछे तो आपकी स्कूल वालों की जय हो, बाकी नहीं आना चाहिए, इट्स अ बेसिक जोक, फालतू क्वेश्चन एकदम। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 30 पाएंगे, ये डिस्क्रीट आ गया। मैंने कहा था हमें यहाँ पे एक्स दिया होगा मतलब ऑब्जर्वेशन, उसके सामने हमें एफ दिया होगा मतलब फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट करती है? सर फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग ही होता है रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है वही तो होती है फ्रीक्वेंसी। मतलब एक तरीके से 0 45 टाइम्स आया, 122 टाइम्स आया, 218 टाइम्स आया, दिस इज फ्रीक्वेंसी सर। सो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका मोड है। किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है भैया? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 45 और वो है 0 की, तो आपका यहाँ पे मोड हो जाता है 0। खत्म सम। एज यूजुअल एग्जाम में थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द अबव गिवन ऑब्जर्वेशन वी कैन आइडेंटिफाई दैट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 45 व्हिच इज फॉर ऑब्जर्वेशन 0, therefore mode is equal to 0, आपका सम खत्म। अगेन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा, फालतू है यार, ऐसा कौन पूछता है। चलिए
अब ये आ सकता है थोड़ा सा अच्छा है। अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 31 दिखाया जाए, इलस्ट्रेशन नंबर 31 में आपसे पूछा जाए कि चलिए सर बताइए कौन सा मोड है, तो बच्चे कांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दो है, एक इधर है 7 और एक इधर है 7, मतलब यहाँ पे दो दो ऑब्जर्वेशंस है जो 7 बार रिपीट हो रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन नंबर 2, एक ऑब्जर्वेशन नंबर 5। एक तरीके से देखो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो मोड निकलेंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है बाई मॉडल डेटा। जिसके दो मोड निकलते हैं उसको बोलते हैं बाई मॉडल, सिंगल मोड हो तो यूनि मॉडल, राइट। सो ऐसे केस में आपके आंसर्स दो आएंगे अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड से जाएंगे, जो कि आपकी बुक का पार्ट है। बट इस केस में आप ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं कर सकते हैं, आपको या तो आपकी बुक में दिया हुआ एक आखिरी सा फॉर्मूला करना पड़ेगा जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, या फिर आपको यहाँ पे एनालिसिस मेथड करना पड़ता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। डोंट वरी अबाउट द सेम, राइट। सो इन दिस केस इलस्ट्रेशन नंबर 31 इज ऑल अबाउट अ बाई मोडल डेटा। यहाँ पे दो मोड होंगे, दैट इज M0 इज इक्वल टू 2 एंड M0 इज इक्वल टू 5। अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड को ही पकड़ के रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दो मोड लिखने पड़ेंगे, 2 एंड 5, ठीक है। चलिए सो ये तो हो गई भैया बचकानी हरकतें, अब कुछ सीरियस काम कर लेते हैं, खाली मस्ती मजाक करने तो हम बैठे नहीं है, चलिए थोड़ा सा सीरियस काम करते हैं। सो यहाँ पे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे मैंने कहा था जब कंटिन्यूस क्लास होगी तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है, L+F1 -F0 2F1 -F0 -F2 × C। कुछ बुक्स F1 को लिखती है FM और F0 को लिखती है F1, चलेगा, टेंशन मत लो, चलेगा, ठीक है, वो भी चलेगा, लॉजिक वही है, काम वही है, खाली ये लोग नाम बदल देते हैं, चलेगा, डजेंट मैटर, कोई टेंशन नहीं है। मेरा वाला करोगे तो भी एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, किताब में दिया हुआ फॉर्मूला करोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले सेम है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, डजेंट मैटर मच, राइट। बट मुझे मेरा तरीका इजी लगता है इसलिए मैं आपको भी वही सिखाऊंगा, क्यों इजी है आप खुद देख लो। चलिए सो हमें दे रखा है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 33 में हमें बहुत सारी क्लासेस दे रखी है और हमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। इन क्लासेस को देख के आपको पता चल रहा है भैया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 48, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लास हो जाती है हमारी मॉडल क्लास। मतलब हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई भैया, ये रही हमारी मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F1, पहले वाले को बोलते हैं F0 और बाद वाले को बोलते हैं F2, मतलब एक तरह से 0 1 2, करेक्ट है। आपकी बुक क्या करती है, आपकी बुक इसको बोलेगी FM तो भी चलेगा, इसको बोलेगी F1 और इसको बोलेगी F2 तो भी चलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो अच्छा लगे वो करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग हमारा फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला था मोड इज इक्वल टू, फॉर्मूला में डाल रहा हूं आप लोग ध्यान देंगे, L+F1 -F0 फिर 2F1 -F0 -F2 × क्लास लेंथ, जहां पे L मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट हो गया 190, F1 मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 48, F0 मतलब पहली वाली फ्रीक्वेंसी 33, नीचे आ रहा है 2F1 मतलब 2 × 48 - F0 33 - F2 12 × हमारी क्लास लेंथ हो जाती है 10। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है जो आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है सर, चुपचाप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा 193.66, दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स इट, ऑनेस्टली इतना ही है, इतना ही है, ये एग्जाम में आएगा, यस ये एग्जाम में आएगा, इट विल कैरी मिनिमम 3 मार्क्स मैक्सिमम 5 मार्क्स, ये एग्जाम में आएगा। अगर आपकी स्कूल वाले आपके एग्जाम्स एमसीक्यू फॉर्म में ले रहे हैं मैं तो कहूंगा सर तब भी ये पूछ सकते हैं भैया, वर्किंग नोट में करके मार्क्स लिखो, 1-2 मार्क का एमसीक्यू भी हो तो गलत बात नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा एक लाइन का फॉर्मूला पुट ऑन करके आंसर निकालना इट्स अ वेरी इजी जॉब यार, आना ही चाहिए। अब रही बात एक अच्छे टॉपिक की, एक अच्छे सम की, ये सम खाली उन्हीं स्कूल में पूछा जाएगा जिनकी स्कूल का लेवल भी अच्छा है, टीचर का लेवल भी अच्छा है, तो ही पेपर का लेवल अच्छा आएगा, हर स्कूल ये सम पूछना अफोर्ड नहीं करेगी। सो हम आएंगे हमारे फाइनल 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 सम पे, तो भैया ये सारे सम का धोनी है, ये भैया सबसे बड़ा फिनिशर है, ये आ गया तो सब कुछ आ गया, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे डब्बा पहले से बना दिया है कि आप लोग का टाइम थोड़ा कम वेस्ट करूं मैं इसलिए, राइट। सो चलिए सबसे पहले सवाल ये आता है कि क्यों ये सम बाकी से अलग है, तो सिंपल सा जवाब है, खुद देखो, देखो भैया क्वेश्चन देखो और मुझे देख के बताओ कौन सी मॉडल क्लास है आपकी। तो आप लोगों ने जब देखना चालू किया तो आपको पता चला सर यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी 7 7 2 बार आ रही है, मतलब
30 से 35 भी मेरी मॉडल क्लास है और 45 से 50 भी मेरी मॉडल क्लास है। तो फॉर्मूले में L कौन सा लेंगे, F1 कौन सा लेंगे, F0 कौन सा लेंगे, F2 कौन सा लेंगे, नहीं पता चल रहा है तो इस केस में आपको एक नया फॉर्मूला करना पड़ता है। आपका एक नया सा फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला रहने वाला है, मैं फॉर्मूला पहले आपके लिख दूंगा फिर मैं रब कर दूंगा उस फॉर्मूला को। आपका नया सा फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर, दैट इज M0 दैट इज मोड इज इक्वल टू 3M-2X bar। यह आपका नया सा फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला कब यूज करने का, वेन योर ऑब्जर्वेशन हैव टू मॉडल क्लास, जब दो मॉडल क्लास होती है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। आपको पता है ऊपर एक और क्वेश्चन था जिसमें 7-7 दो फ्रीक्वेंसी थे डिस्क्रीट वाला, आप उसको भी इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो आपको अगर सिंगल मोड निकालना हो तो। सो इन दिस केस हमारे पास दो मॉडल क्लास है तो हमें यही फॉर्मूला करना पड़ेगा, 3M-2X bar। सो एग्जाम में आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन को देखो, अगर सिंगल मोड है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो वो F1-F0 वाला, बट अगर मोड दो है तो आपको यही फॉर्मूला पुट ऑन करेगा, दैट इज M0 दैट इज मोड इज इक्वल टू 3M, हियर M मींस मीडियन, माइनस 2X bar, यहां पे X bar का मतलब होता है मीन, याद रहेगा सबको। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें भैया मीन भी चाहिएगा और हमें मीडियन भी चाहिएगा, बराबर है। तो सबसे पहले गिवन डेटा से मीडियन निकालिए और गिवन डेटा से मीन निकालिए, जैसे ही आपको मीन और मीडियन मिल जाएगा आपका काम खत्म हो जाएगा। सो मुझे फिलहाल निकालना है मीन और मीडियन, वो निकालने से पहले साफ सफाई कर देता हूं, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा मैं रब कर देता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको मैं वापस आपके सामने लिख लूंगा। चलिए अब हमें पता है हमें सबसे पहले निकालना है भैया मीन, मीन का फॉर्मूला होता है हम सबने सीखा है, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। चलिए उसके लिए पहले हमें मीन के लिए डेटा तैयार करना पड़ेगा, पहले हम निकालेंगे एक्स दैट इज मिड वैल्यू, यहां आ जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 and 52.5। अब लिखेंगे भैया डी, डी मतलब होता है x माइनस ए अपॉन सी। मैं आपको एक और मिथ दूर करता हूं, आपकी स्कूल टीचर्स आपको बोलते हैं कि a दैट इज अज्यूम्ड मीन इट मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशंस, मतलब गिवन x में से आपको सिलेक्ट करना है। सर ऐसा नहीं होता है, आप जो चाहो a लो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा 100%। जो स्कूल टीचर्स ऐसा बोलती है अज्ञानी है सर, माफ करो उन्हें, वैसा नहीं होता है। ए आप कोई भी लोगे आपका आंसर आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि ए आप इन में से कोई बीच में से ढूंढ के लो, कोई जरूरी नहीं है। ए आप कोई बाहर का नंबर लोगे तो भी चलेगा, प्लीज मेक श्योर ए कोई भी नंबर चलता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम बीच वाला लेते हैं जिससे एक ऑर्डर सेट हो जाता है, एक सीक्वेंस सेट हो जाती है, बट कोई जरूरी नहीं है। और ए कुछ भी लो आंसर सेम आएगा, ए चेंज करने से आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये मत बोलना मैम इसने 27.5 लिया इसका आंसर आ गया, मैंने 22.5 लिया मेरा आंसर नहीं आया, क्योंकि आपका दिमाग खराब है, ये आपकी कैलकुलेशन में फॉल्ट है, बाकी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस मैंने ए लिया है 37.5 और क्लास लेंथ लिया है 5। चलिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, दैट इज एक्स माइनस ए अपॉन सी। सो इधर आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। अब मुझे करना है फ्रीक्वेंसी इनटू डी, मतलब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करूंगा डी से, 2 -3 -6, 5 -2 -10, -7, 0, 6, 14 and 9। चलिए इनका टोटल आ जाएगा टोटल 6। अब सी एफ आई निकालना है हमें, सी एफ आई निकालना आपको आता है, नहीं आता हो तो आपको पता होना चाहिए। ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी, चलिए इस फ्रीक्वेंसी का सी एफ आई निकालो। तो ये सी एफ आई हमें चाहिए मीडियन में, इसलिए पहले से निकाल रहा हूं मैं, 2, 7, 14, 19, 25, 32 and last is 35। चेक कर लेने का, ये 35 मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये टोटल हमेशा सेम आएगा, ठीक है सर। चलिए हमने पूरा रॉ मटेरियल तैयार कर दिया, अब भैया फटाफट खाना बनाना चालू करो, फाइनल आउटपुट देना चालू करो। एक्स के लिए ए हमने क्या लिया था, 37.5, सिग्मा एफ डी क्या आया था हमारा 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 इंटू क्लास लेंथ हमारी है 5 की। इसको जब कभी भी आप सॉल्व करोगे आपको फाइनल आंसर मिलेगा x बार का 38.36, ये आपका फाइनल आंसर होगा x बार का, ठीक है सर। चलिए निकालते हैं मीडियन, मीडियन में हमें सबसे पहले निकालनी मीडियन क्लास, जिसके लिए हम फॉर्मूला डालते हैं n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, वेर n इज 35 अपॉन 2 गोज टू 17.5th ऑब्जर्वेशन। 17.5 ऑब्जर्वेशन कौन सी दो CFI के बीच में आ रहा है सर, इन दोनों के बीच में आ रहा है। सो हम नीचे वाली क्लास को ले लेंगे, मतलब ये क्लास हो जाती है हमारी
मीडियन क्लास दैट इज 35 to 40। फॉर्मूला पुट ऑन करूंगा, एम इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इन टू सी, वेर एल इज 35, एन अपॉन टू हमने ऊपर निकाला है 17.5, एफ आई गिवन क्लास की लेते हैं और सी एफ आई प्रिसीडिंग क्लास की लेते हैं, तो दिस बिकम्स माइनस 14 अपॉन 5 इन टू क्लास, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 5, ठीक है। सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 38.5। इसके साथ भैया आपको मिल गया मीडियन भी, आपका मीडियन भी यहाँ पे तैयार हो गया। अब खाली मेजर फॉर्मूला लगा दो, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, वेयर 3m इज 38.5 एंड 2x बार इज 38.36, ठीक है भैया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38.78, इट बिकम्स योर मोड, m0 मोड, इट बिकम्स योर मोड। आई होप दिस इज वेरी 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 सिंपल फॉर यू पीपल, राइट। बस इतना ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब पुट करेंगे, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब कभी भी हमारे पास क्लासेस में दो मोड आ रहे हैं, जब कभी भी हमारे पास क्लासेस को देख के ऑब्जर्वेशन करके दो मोड्स निकल रहे, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा टू मेक इट सिंपल। आई होप दिस वॉज वेरी वेरी ईजी फॉर यू पीपल, आई होप आपको मजा आया है, आई होप आपको ईजी लगा है, और अगर मजा आए तो जरूर से अपने बाकी दोस्तों को भी बताओ कि ऑनलाइन आपके लिए आपका बड़ा भाई बैठा है जो आपको अच्छी तरीके से सारे के सारे टॉपिक सिखाता है, स्पेसिफिकली गुजरात बोर्ड के लिए। तो सर हम ही सब कुछ है, समझ लीजिए, क्योंकि हम जितना कंटेंट गुजरात बोर्ड में क्रिएट कर रहे हैं शायद ही कोई कर रहा होगा, राइट। चलिए सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिस्पर्जन, विच इज वेरी 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 गुड टॉपिक। चलिए तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे वापस मिलता हूँ, बाय बाय फॉर द डे।